सहायक होते हैं, भाग लेते हैं। तो आइए लिखते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में, हेडिंग डालेंगे सहायक ग्रंथियां, लिखेंगे। देखिए सहायक ग्रंथियों को समझेंगे, जैसे मैंने कहा कि किसी भी स्त्री में आपने जब आपने देखा कि गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण हुआ, फिर एम्ब्रियो गैस्टुलेशन हुआ, फिर धीरे धीरे बच्चे का निर्माण हो गया। अब वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करे, योनि छिद्र के द्वारा कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अब आंतरिक दुनिया से किधर आना चाहेगा, बाहरी दुनिया तक आएगा। बाहर दुनिया में देखेगा बोलेगा क्या बिल्डिंग वोल्डिंग खड़ा किया यार, पेड़ पौधे नहीं आता, पेट में तो कुछ नहीं था। नहीं अभी तो सोचेगा बोलेगा पेट में तो कुछ नहीं दिख रहा था ससुरा, पेड़ और घास उससे को नहीं दिख रहा था, देखिए ना कितना सारा बिल्डिंग दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा जो है। हाँ ये देखा, ये समझ जाएगा, अभी जन्मा नहीं समझ जाएगा क्या है। उसके पास बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कुछ ज्ञान नहीं रहता है, धीरे धीरे बाहरी दुनिया में आता है, और जब थोड़ा थोड़ा बड़ा शुरू हो जाता है तो परिवार का कल्चर मिलना, पापा है पापा है पापा है, मम्मी है मम्मी है, इस तरीके से उसको सिखाया जाता है। बच्चा रही पेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, पहले कुत्ता ना सिखाए, फिर कुकुर सिखाई जा रहा है, कुकुर है, ठीक है। तो ये बाहरी दुनिया में जब आते हैं तो ऐसे ऐसे सिखाया जाता है, आंतरिक दुनिया में उसे कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। हाँ इतना पता रहता है, ऐसा नहीं उसके पास सेंस नहीं रहता, उसे भी पता रहता है। क्योंकि आइए हम टॉपिक पे चलते हैं, सहायक ग्रंथियों के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे सहायक ग्रंथ, लिखेंगे जनन की क्रिया में तथा जनन के बाद, जनन की क्रिया में तथा जनन के बाद उपयोग में आने वाली ग्रंथियों को, उपयोग में आने वाली ग्रंथियों को जनन की क्रिया में तथा जनन के बाद उपयोग में आने वाली ग्रंथि को सहायक ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि को सहायक ग्रंथि कहते हैं। इनमें बर्थोलिन तथा पेरिनियल, इसमें बर्थोलिन तथा पेरिनियल ग्रंथि मुख्य होती हैं। देखेंगे बर्थोलिन ग्रंथि योनि के आसपास, बर्थोलिन ग्रंथि योनि के आसपास पाया जाता है, और यह स्नेहक पदार्थ का श्रावण करता है, और यह स्नेहक पदार्थ का श्रावण करता है। अभिषेक सर गए हैं जौनपुर, वो गए हैं जौनपुर, आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे, कहीं होंगे, स्नेहक पदार्थ का श्रावण करता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो पहला हमारा हो गया बर्थोलिन ग्रंथि योनि के पास पाया जाता है, और एक जोड़ी पाया जाता है जब मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन की क्रिया का मतलब जब मेल और फीमेल आपस में मेटिंग करते हैं, उस दौरान क्या होता है, ये जो बर्थोलिन की ग्रंथि है एक स्नेहक पदार्थ का श्रावण करती है, मतलब एक महकता हुआ कोई पदार्थ होता है उसका श्रावण करती है। दूसरा उसी में लिखेंगे पेरिनियल ग्रंथि मलाशय के आसपास पाया जाता है, जो
गंधयुक्त पदार्थ का श्रावण करता है, जो गंधयुक्त पदार्थ का श्रावण करता है। जो गंधयुक्त पदार्थ का क्या कहता है, श्रावण करता है। ये योनि के पास पाया जाता है और ये किसके पास पाया जाता है, मलाशय के पास पाया जाता है। इसमें से सुगंध वाला पदार्थ निकलता है और इसमें क्या निकलता है, दुर्गंध वाला पदार्थ ना, मतलब इसमें खुशबू होगा और इसमें क्या होगा, बदबू होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, यही हकीकत है, यही चीज़ें हैं कि बर्थोलिन ग्रंथि योनि के आसपास पाया जाने वाला एक जोड़ी ग्रंथि होता है जो सुगंधित पदार्थ को श्रावित करता है। कब करता है, मैथुन की क्रिया के समय। और मतलब सुगंधित पदार्थ मतलब उसमें खुशबू होता है, और ये पेरिनियर होता है जो कि मलाशय के आसपास का है, ये दुर्गंध पदार्थ का श्रावण करता है, मतलब बदबूदार पदार्थ का। ठीक है, तो कितने होते हैं आपको पता लग गया, दो होते हैं। कौन कौन सा है, बर्थोलिन और पेरिनियर। कार्य क्या है, सुगंधित पदार्थों को श्रावित करना। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसको बना ले, बनाना तो बना लो, नहीं बनाना तो छोड़ दो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम करना क्या चाहते हो। एक सहायक ग्रंथि और है, आपसे कोई पूछ लेगा तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसको लिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखाएंगे, जानते रहें आप लोग। हो गया, चले आगे। आइए देखिए, इसी सहायक ग्रंथि में जो कि नहीं दिया है उसको आप भी जान जाएं। मैंने कहा जन्म के समय, जनन के समय या जनन के बाद, जनन के समय या जनन के बाद वे ग्रंथियां जो बच्चे के विकास में सहायता करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहायक जनन ग्रंथियां कहते हैं।